नमस्कार, वैष्णवी इजी लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं तरबूज के छिलके के मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। मुरब्बा बनाने के लिए हम ये जो तरबूज खाते हैं ऐसे, फिर उसका छिलका ऐसे निकाल लेते हैं, इस तरह से ऐसे लाल वाला पार्ट निकाल लेंगे, इस तरह से पूरा जितना लाल है उतना पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद ऊपर के छिलके उतारते हैं, ये जो हरा पार्ट है इस तरह से निकाल लेंगे। जो हम मुरब्बा बनाएंगे तरबूज के छिलका का, ये तरबूज हम लोग खा लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, इसलिए थोड़ा यूज में आ जाता है। इसका कैंडी भी बनता है, टूटी फ्रूटी भी बनाते हैं लोग ऐसे। सारे के छिलके हम उतार लेंगे। सारे के छिलके हम उतार लिए, अब इसका एक एक इंच के टुकड़ा काट लेंगे हम। जो ज्यादा चौड़ा हो उसको बीच में से भी काट लेंगे ऐसे। अब एक एक इंच के टुकड़ा कर लेंगे इसका ऐसे, इस तरह से। अब हम इसको छोटे छोटे एक इंच के टुकड़े में काट लिए, ग्रीन पार्ट को निकाल दी हूँ। और हमने ये हमारा 400 ग्राम होगा लगभग, और चीनी हमारा 300 ग्राम है। इसमें डालने के लिए छोटी इलायची ले ली है 5-6, और दालचीनी है। और इसको हम छोटी इलायची और ये दालचीनी दोनों को हम इसमें डाल के एक ही साथ पाउडर बना लेंगे, एक ही साथ कर लेंगे हम दोनों को। इसको खोल लेंगे, इलायची को खोल के एक ही साथ हम कूट ले रहे हैं। अब छोटी इलायची और दालचीनी के हम पाउडर बना ले रहे हैं, अच्छी तरह से बारीक कूट ले रहे हैं इसमें। इसको इलायची और दालचीनी का हम पाउडर बना लिए, इसमें निकाल ले रहे हैं। आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, दो गिलास पानी डाल लिए। गैस पे पानी चढ़ा दिए हैं, जब पानी उबाल आ जाएगा तब तरबूज के टुकड़े इसमें डाल देंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया था, हम इसमें तरबूज के जो टुकड़े बनाए थे उसको हम डाल दिए हैं। अब ये 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जो ज़्यादा हार्ड होता है 6-7 मिनट लग जाता है, नहीं तो 5 मिनट में पक जा रहा है। इसके आगे दिखा रहे हैं, अब देख रहे हैं 6 मिनट हो गए हमारे, पक गया कि नहीं अच्छी तरह से, सब कुछ देख ले रहे हैं। पक गया है हमारा, गैस बंद कर दे रहे हैं। इसको हम पानी से निकाल ले रहे हैं, पानी से अलग कर लेंगे। अब हम इसमें चाशनी बनाने के लिए चीनी डाल दे रहे हैं, और इसी कटोरी से पानी भी डाल दे रहे हैं। चीनी थोड़ी सी हमारी गल जाएगी, करीब 5-6 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमें जो टुकड़े काटे हैं तरबूज के वो डाल देंगे। चीनी अच्छी तरह से गल गई है, अच्छा उबाल आ रहा है। अब जो तरबूज के टुकड़े उबाले थे उसको हम डाल दे रहे हैं चीनी में। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, करीब 7-8 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह पका लेंगे, थोड़ा सा चाशनी ठीक हो जाएगी गाढ़ी।
अब इसे हमें 5 मिनट पकाते हो गया चाशनी के साथ, हमने हाई फ्लेम पे पका रही थी। अब थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो रही है, अभी थोड़ा और पकाएंगे। अब फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे हम इसको। जब एक तार की चाशनी बन जाएगी, अभी 5 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। अब हमारी चाशनी काफी गाढ़ी हो गई है, इसमें लगभग एक तार निकल रहा है। ऐसे करके देखने से काफी चिपचिपी और गाढ़ी हो गई है। इसमें डाल दे रहे हैं जो इलायची पाउडर बनाई थी और दालचीनी, दोनों का आधा छोटा चम्मच डाल दी। थोड़ा सा हम कलर डाल दे रहे हैं, आप चाहे तो डालें ना चाहे तो मत डालें, कोई भी फ्लेवर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारा मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। इसको हम गैस बंद कर दे रहे हैं, इसी चाशनी में 4-5 घंटा रहने देंगे और उसके बाद हम देखेंगे। अगर हमारी चाशनी पतली हो जाएगी तो हम फिर इसको चाशनी गैस पे चढ़ा देंगे, थोड़ी गाढ़ी करेंगे। वैसे अभी तो ठीक है। तो हमारे मुरब्बे को 4 से 5 घंटे हो गए हैं जो हम रख दिए थे इसे चाशनी अब जो आप करने के लिए, अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसको इसमें पलट लेंगे और नहीं पकाएंगे, चाशनी ठीक ठाक है हमारी। हम इसको ऐसे ही मुरब्बे की तरह ही रखेंगे, इतना चाशनी रहने देंगे। अगर आपको पेठे की तरह चाहिए, जैसे कद्दू का पेठा होता है, तो इसको गैस पर रख के 5-7 मिनट और अच्छी तरह चाशनी जला लें और निकाल के चाशनी जो थोड़ा बहुत रहे उससे 1-1.5 घंटे पंखे के नीचे सुखा लें, बिल्कुल पेठे की तरह हो जाएगा। इसे शीशे के बर्तन में भर के रख देना और फ्रिज में रख देना, आराम से 3-4 महीने चलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।